السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله باك آپ سب کو صحت مند هرشر تندرست رکھیں ہر شر اور فتنے سے आज की जो नशिस्त है इंशाल्लाह जिक्र के ताल्लुक से इस पर बात होगी और जिक्र करने के क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या फज़ीलतें हैं या ज़िक्र छोड़ने के क्या क्या नुकसान हैं क्या क्या वईदे हैं इंशाल्लाह इसको आज की नशिस्त में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा अल्लाह पाक हक बात कहने की तौफीक अतः फ़रमाएँ जो कहा जाए सुना जाए उस पर अमल करने की तोफ़ी अदा फरमाए कुरान मजीद में तबारों को ताल अरशाद फरमाता है जो आयत में आपके सामने पड़ी है इन नफ़ी समावती वअर्द के बेशक ये ज़मीन और आसमान की पैदाइश वाफिल्ली व वा नाहर और ये रात और दिन का आना और जाना लयातलबाबाब ये निशानी है समझदार लोगों के लिए ंद लोगों के लिए यानी कि इस कायना का जो निज़ाम चल रहा है इसमें अगर गौरव फिक्र किया जाए तो समझदार इंसान अल्लाह को पहचान लेता है कि हाँ ये सब कुछ अपने आप नहीं बना अपने आप नहीं चल रहा ये सब बनाने वाला और चलाने वाला कोई है मशहूर वाक़ इमाम आजम अबू हनीफा रहमत लि का उनके ज़माने में कुछ देहरीत थे दे आज के दौर में यूँ समझ लीजिए जिनको नास्तिक कहा जाता है ऐसे लोग जिनका कोई मज़हब नहीं होता कोई मजहब नहीं है ये भी एक मजहब है आज नास्तिक देिए जो किसी खुदा के वजूद के कायल ही नहीं है कहते हैं कि कायनात ऑटोमेटिक सिस्टम है अपने आप बन गई अपने आप चल रही है इमाम आजा अबू हनीफा रततहद थे इन लोगों ने देरीयों ने इनसे आकर के कहा कि अबो हनीफा तुम कहते हो कि एक अल्लाह है वही सब कुछ पैदा करने वाला और वही इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है साबित करो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अल्लाह पाक है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह लिया ने उन लोगों से कहा कि बेहतर है कि इसके लिए टाइम तय कर लिया जाए एक वक्त मुतिन कर लिया जाए फला मस्जिद की दरवाज़े पर फला तारीख़ को असर की नमाज के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा और वहाँ बैठ कर गुफ्तगू होगी होगी बहुत अच्छा टाइम दे दिया तारीख तय हो गई नमाज़ तय हो गई नमाज का वक्त हो गया और लोगों में पूरे शहर में कोहराम मच गया कि अबू हनीफा अल्लाह ताला के वजूद पर दलाइल देंगे और ये जो दहरी हैं ये अल्लाह ताला के वजूद के ना होने पर दलाइल देंगे बहरहाल वक्त वो आ गया दिन वो आ गया कि जब बात होनी थी गुफ्तगू होनी थी और ये लोग खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे इमाम आजम अबू हनीफा रशरीफ़ नहीं लाए नहीं पहुंचे वक्त पर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब इन लोगों को लगा कि अब ये नहीं आएंगे तब इमाम साहब पहुंचे और इन लोगों ने चीखना चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया दूसरे के टाइम का ख्याल नहीं है दूसरे के वक्त का ख्याल नहीं है जो कहते हो करते नहीं हो टाइम देते हो फिर टाइम पर नहीं आते डर गए क्या इस किस्म की बातें गिदौल भक्तियाँ इमाम साहब ने फरमाया कि तुमने तो बातें बनानी शुरू कर दी मुझसे पूछ तो लो मुझे देर क्यों हुई मैं देर से क्यों आया इसकी वजह क्या है मुझसे ये तो मालूम कर लो अच्छा जी बताइए क्यों देर हुई आपको तो इमाम साहब ने फरमाया कि मुझे देर इसलिए हुई कि तुम जानते हो मेरे घर से लेके कर यहाँ तक अब जो रास्ता है उस रास्ते के दरमियान में एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर नहर बह रही है और वो अच्छी खासी बड़ी उसको पार करने के लिए कश्ती में बैठना पड़ता है और वहाँ बाकायदा पेशावर कश्ती चलाने वाले लोग होते हैं जिनको किराया देकर उनकी कश्ती में बैठ उसको पार करना पड़ता है उस रिवर को लिहाजा हसब आदत मैं अपने घर से निकला यहाँ आने के लिए और जब मैं उस नहर पर पहुंचा पहुँचाऊँ तो मैंने वहाँ देखा कि उस नहर में तूफ़ान आया हुआ है पानी बहुत तेज़ चल रहा है और इसी तूफ़ान की वजह से कोई कश्ती वाला वहाँ मौजूद नहीं है मैंने तुमसे वादा कर रखा था मुझे पहुंचना था लेकिन मैं खड़े होकर के सोच रहा था कि तुम तक पहुँचू कैसे इन हालात में अभी मैं खड़ा होकर सोच रहा था इतनी देर में मैंने ये देखा कि वहां पर दरख्त लगे हुए थे किनारे पर उनमें से एक दरख्त अपने आप उसके दो टुकड़े हुए बीच में से कट गया अपने आप उसमें से लकड़ी कटिए अपने आप उसमें से लकड़ी के फट्टे निकले अपने आप फिर वो फट्टे अपने आप जुड़ गए अपने आप कश्ती तैयार हो गई फिर मैं उस कश्ती में बैठ गया अपने आप और फिर वो कश्ती पानी में उतरी अपने आप और फिर वो पूरी नहर पार हो गई अपने आप फिर मैं आया हूँ तो इस कश्ती के बनने में और इसके चलने में जितना वक्त लगा ना इतनी देर मुझे इसलिए हुई है तो वो लोग कहने लगे कि अबू हनीफा हम तो तुम्हें बड़ा अक्लमंद और समझदार समझते थे ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो भला कश्ती अपने आप बन के अपने आप चल सकती है ऐसा कैसे हो सकता है ये तो इम्पॉसिबल है तो इमाम साहब ने फरमाया गया मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूँ जब एक छोटी सी कश्ती अपने आप बनकर अपने आप नहीं चल सकती तो इतनी बड़ी कायनात ये ज़मीन या आसमान ये चांद ये सूरज ये सितारे और ये रात और दिन का आना और जाना ये सब कुछ अपने आप हो गया अपने आप चल रहा है कैसी बेवकूफ़ी की बात करते हो तो कहते हैं कि इमाम साहब की इस दलील से ये लोग लाजवाब हो गए और खामोश हो गए इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि किलमंद लोगों के लिए निशानियाँ हैं इस दिन और रात के आने और जाने को पहचानने में इस ज़मीन और आसमान की पैदाइश में आगे अल्लाह ताला फरमाता है अल्लादीन करून अल्लाम वम वाल जुनोबीम कौन है समझदार कौन है अल्लादीन याद वो लोग हैं जो लो अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह को याद करते हैं खड़े होने की हालत में भी अल्लाह को याद करते हैं बैठने की हालत में भी अल्लाह को याद करते हैं वह अला जुनू भी और रात में अपने पहलुओं पर जब लेटते हैं इस करवट या इस करवट उसमें भी अल्लाह को याद करते हैं देखिए इंसान तीन हालतों में से किसी एक हालत में होता है ये खड़ा होता है ये बैठा हुआ होता है ये लेटा हुआ होता है और अल्लाह ताला तरमाना इन तीनों ही हालतों में मेरे बंदे हैं मुझे याद रखते हैं ये वो लोग हैं जो समझदार हैं जो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करते हैं अल्लाह यही वजह है कि अल्लाह तबारा को तु उठते बैठते सोते जागते जितना हो सके अल्लाह ताला को याद करना चाहिए सोते हुए कैसे याद करेगा आदमी जैसे कि इसमें आया वाला जुनूबी सोते हुए भी अल्लाह ताला को याद करते हैं लेटे हुए अपने बिस्तर पर जाने से पहले अल्लाह को याद करते हैं और रात का वक्त अल्लाह ताला को याद करने का बहुत बेहतरीन वक्त है ये ख़ास वक्त है अल्लाह ताला से मांगने का इसमें अल्लाह ताला ने तज़द की नमाज़ रख दी ये लाडली इबादत है इसके अंदर जो अल्लाह ताला से मांगा जाता है यकीन के साथ किया जाए तो ज़रूर मिलता है यकीन के साथ मांगा जाए तो ज़रूर इनायत होते है इतनी ज़बरदस्त तहजद की नमाज़ है नहीं नफिल नमाजें बहुत सारी हैं इशराक़ है चाश्त अवाबिन है और भी हैं लेकिन कुर मजीद में सिर्फ तहजद का जिक्र है इससे आप तहजद की नमाज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगा लीजिए अल्लाह पाक इस इबादत में इस रात में जागने की इस इबादत को जो है अदा करने की हमें तोफ़ी अदा फरमाएं कोशिश करनी चाहिए कि रात के किसी न किसी हिस्से में उठ कर हम तहजद की नमाज़ पढ़ लें और अगर ये भी ना हो सके तो ना बहुत सारे लोग बेचारे बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लंबी होती है बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लंबी ना हो लेकिन हार्ड होती है हार्डवर्क करते हैं थके हुए होते हैं सुबह से शाम तक का काम पर जाना वापस आना बहुत से लोग लंबे लंबे सफ़र करते हैं मीलों दूर काम पर जाते हैं फिर वापस आते हैं डेली अप डाउन करते हैं घर की ज़िम्मेदारी काम काज की जिम्मेदारी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी अब इन जिम्मेदारियों की वजह से बहुत सारे लोग बेचारे काम करने के बाद इतने थक जाते हैं कि रात में चाह भी नहीं उठ पाते इबादत नहीं कर पाते तो उनके लिए भी अल्लाह तबारा को तारा ने यह आसानी रख दी कि अगर कोई शख्स ईशा की नमाज़ बाज़त पढ़ लें और वितर वगैरह से फारि होने के बाद दो रकात तहजद की नीयत से पढ़ लें तो ये भी तहजद है जब हम ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं सुन्नत नफिल पढ़ते हैं वितर पढ़ते हैं तो आखिर में घर जाने से पहले कम से कम एक मरतबा दो रकात पढ़ लें तो इन शाला अगर किसी शख्स ने यह भी किया तो ये दो रकात भी उसके हक़ में तहजद बन जाएंगे कितनी आसानी है और ये भी ना कर सको तो कम से कम कम से कम आदमी ईशा और फजर बाज़ात पढ़ लें वो हदीस है ना कि जो शख्स ईशा की नमाज बाज़मात पढ़ ले वो ऐसा है गोया उसने आधी रात इबादत की और अगर कोई शख्स फजर की नमाज़ बाज़मात पढ़ ले तो ये शख्स ऐसा है कि इसने पूरी रात इबादत की तो लिहाजा अगर अदना दर्जा ये है कि कुछ ना कर सको तो कम से कम ईशा और फजर और पांच वक्त की नमाजें ईशा और फजर का ये मतलब नहीं बाकी तीन नमाजों का वेड कर दो उनको जोड़ दो नहीं इन दोनों नमाजों को खास तौर से इसलिए पढ़ो कि पूरी रात की इबादत का समावान मिलता रहेगा बहरहाल जिक्र ये बहुत ऊंची इबादत है बहुत अच्छी इबादत है जिक्र आदमी हर वक्त कर सकता है जितना चाहे उतना जिक्र कर सकता है आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब भी आप जिक्र कर सकते हैं आप कोई काम कर रहे हैं रास्ते में पैदल चल रहे हैं तब भी आप जिक्र कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर रहे अपने काम में लगे हुए हैं मजदूरी में लगे हुए हैं सिलाई कर रहे हैं बुनाई कर रहे हैं कटाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं आप उस काम को करते करते भी जिक्र कर सकते और गजब ख़ुदा के बहुत सारे लोग काम करते हुए जिक्र करने के बजाय गाने सुनना पसंद करते हैं हैंड फ्री लगा लिए रेडियो चला लिया कोई पसंद के गाने सुन लिए काम भी हो रहा है और ये चीज़ें भी चल रही है। इसके बजाय अगर काम भी होता और आदमी जिक्र भी करता तो इंसान को अल्लाह का जिक्र करने की वजह से वो फजाइल मिलते वो सारी खूबियाँ वो सारे स्वब वो सारी नैकियाँ जो जिक्र में अल्लाह रखी हैं सब मिल जाता जिक्र की अहमियत का इस से लगाया जा सकता है। जितनी इबादतें कुछ, कुछ कंडीशन मिसाल के तौर पर नमाज वजू करना पड़ेगा इसके लिए बगैर वजू की आप नमाज नहीं पढ़ सकते चाहे आप 24 घंटे में किसी भी जो सवाल का और मकर औका है उनको हटा दो और उनको हटाने के बाद जो औकात बचते हैं चौबीस घंटे की उसमें आप कभी भी कोई नफिल नमाज भी पढ़ना चाहें आपको वजू करना पड़ेगा लाजमी है शर्त है रोज़ा सुबह शुरू होता है शाम को ख़त्म होता है आप नफिल रोज़ा भी रखे पूरा साल रखे रात को नहीं रख सकते सिर्फ दिन की इबादत ही है हज साल में एक बार कुर्बानी साल में एक बार ज़क़़़़त साल में एक बार ऐसे बहुत सारी इबादतें हैं लेकिन उनका कोई ना कोई वक्त है कोई ना कोई टाइम है कोई ना कोई दिन है जिक्र एक ऐसी इबादत है न टाइम फिक्स है न दिन फिक्स है न वक्त फिक्स है न करने की तादाद या उसका उसकी मकदार फिक्स है जितना मर्ज़ी करो जब चाहे करो जितना दिल चाहे उतना करो जिस तरह दिल चाहे उस तरह करो इतनी जो है ज़िक्र की अहमियत है और ज़िक्र की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा कि कुरान के अंदर

ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ खूब कसरत के साथ ये जो कसीरा का लफ्ज़ है ना ये सिर्फ जिक्र के साथ है किसी और इबादत के साथ नहीं है एक और मौके पर फरमायान अल्लाह यहाँ पर भी कसीरा का लफ्ज़ आया जिक्र करने वाले अल्लाह के बंदे और बंदियाँ आदम फिर दूंगा आजीमा तो कसरत का लफ्ज़ कुरान मजीद में दो जगह आया है जिक्र के साथ आया है और किसी इबादत के साथ नहीं आया और एक मज़े की बात कि दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला ने इबादत रख दी है शरीय में उनके लिए ज़रूरी है पाक होना ज़रूरी है नमाज के लिए पाक होना ज़रूरी है अगर कोई शख्स उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया नाइट फॉल हो गया या बीवी से जा मिला या कुछ भी कर लिया कोई भी तरीक़ा इख्तियार कर लिया शहमत पूरी कर ली तो उसमें वो शख्स नमाज नहीं पढ़ सकता लेकिन नापाकी की हालत में हालत जनामत में भी वो जिक्र कर सकता है कोई बहन है निसवानी मजबूरी की वजह से हर महीने जो नापाक हो जाती हैं ख़वातीन हो जाती हैं नहीं, जिसमें वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते क़ुरान नहीं पढ़ सकते लेकिन इस हालत में भी जिक्र कर सकती हैं जिक्र के लिए पाक होना भी शर्त नहीं है आदमी जब जितना दिल चाहे जिक्र कर सकता है ये बहुत बड़ी बात है देखिए जिक्र करने वाली हमारी माएँ बहनें वो खातन जिनको अल्लाह ताली ने औलाद से नवाजा है उनको ये चाहिए कि ख़ास तौर से जब बच्चों को दूध पिलाएं उस वक्त जिक्र करें सुबहानल्लाहमदुल्ल अकबर ये चीज़ें ज़िक्र करते हुए अपने बच्चों को जब पिलाएंगी उस बच्चे के दूध जब उसके गले में उतरेगा अल्लाह की मोहब्बत भी साथ साथ उसके अंदर उतरेगी अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे हमारी बहुत सारी बहनें बहुत सारी माएँ ऐसी हैं कि जब वो दूध पिला रही होती हैं तो उनके हाथ में रिमोट होता है और टीवी स्क्रीन पर रियलिटी शोज चल रहे होते हैं टी वी चल रहे होते हैं फिल्मों और गाने चल रहे होते हैं बेहयाही के सीन चल रहे होते हैं आप मुझे बताएं कि जब ये चीजें देखते हुए कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलाएगी तो उस बच्चे के अंदर क्या चीजें उतरेंगी किन चीजों के असर उसके अंदर जाएंगे लिहाजा इन बुरी चीजों से इन बुरी बातों से बचने की जरूरत है और जिक्र करना तो इतना आसान है कि बच्चों को दूध पिलाना तो एक तरफ रहा घर के दूसरे काम करते हुए भी आसानी से जिक्र कर सकते हैं खवान खास तौर से जैसे कि आदमियों को मैंने बताया ना कि अपने काम कारोबार करते हुए जिक्र कर सकते हैं वैसे ही आप घर के अंदर रोटी बनाते हुए जिक्र कर सकती हैं सालन बनाते हुए जिक्र कर सकती है बर्तन धोते हुए जिक्र कर सकती हैं झाड़ू लगाते हुए जिक्र कर सकते हैं उठते बैठते ज़ोर से या आहिस्ता से जिस तरह चाहे उस तरीक़े से जिक्र कर सकती है बड़ी फजीलत है इसकी अच्छा जी हर चीज़ के फ़ायदे हैं और हर चीज़ को छोड़ने के नुकसान भी है पता है ना आपको हर चीज़ के फ़ायदे और हर चीज़ को छोड़ने के नुकसान भी नमाज पढ़ने का फ़ायदा है और अगर नमाज को छोड़ दो तो नुकसान भी है। इसी तरीके से और भी इबादतें यही मामला जिक्र का भी है कि ज़िक्र करो तो ये मिलेगा और अगर छोड़ो तो ये नुकसान होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में दोनों ही बातें बयान कर दी कौन कौन करके मुझे कुछ असकार भी आपके सामने रखने के कौन कौन सा जिक्र इस रमज़ान के बचे हुए दिनों में कर लेना चाहिए क्योंकि ये रमज़ान के अंदर एक कसत्तर मिल रहा है बासूल फरमाते दे कि सात सौ तक भी मिलता है सिर्फ सत्तर की शर्त नहीं है अल्लाह तीन सत्तर ही देता है को भी देता है रमजान के अंदर कोई नेक काम करे तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी ऊँची चीज़ है जिक्र करना और दूसरी इबादतें करना लिहाजा बहुत ज्यादा हदीसे में नहीं पढ़ता बस एक हदीस सुन ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज को चमकाने वाली कोई ना कोई चीज़ होती है हर चीज को चम चमकाने के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है लोहे को चमकाने के लिए कोई केमिकल होता है उसका जंग उतर जाता है और बिल्कुल निखर के बाहर आ जाता है इसी तरीक़े से हमारे घर के अंदर आपने देखा होगा वॉश बेसिन सिंक इनके ऊपर जब कभी गंदगी और गलाजत बैठ जाती है उस पर तेजब डाला जाता है हल्का वाला उससे क्या होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है नया जैसा हो जाता है ऐसे ही हमारी गाड़ियों को चमकाने के लिए पॉलिश वगैरह होती है कोई केमिकल होता है तो लिहाजा हर चीज़ को चमकाने के लिए कोई ना कोई चीज़ है कोई ना कोई केमिकल है कोई ना कोई तरीका है इसी तरीके से जो इंसान का दिल है ना इसको चमकाने के लिए तबारा ने जिक्र रखा इंसान जितना अल्लाह ज़िक्र करेगा इंसान का दिल उतना ही चमकता चला जाएगा उफो, अला दिलों का सुकून अल्लाह जिक्र में और जिक्र इतनी ज़बरदस्त चीज़ जब कोई शख्स अल्लाह को याद करता है अल्लाह ज़िक्र करता है तन्हाई में तो अल्लाह तबारक को तौर उसका जिक्र करते हैं तन्हाई में और जब कोई शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करता है मजलिस में महफिल में तो अल्लाह तबारक वाली उस बंदे का जिक्र करता है उससे बेहतर मुजलिस में या महफिल में फ़रिश्ते होते हैं अल्लाह ताला उन फरिश्तों से कहता है कि देखो ये मेरा बंदा है जिक्र तुम भी करते हो जिक्र ये भी कर रहा है लेकिन तुम तुम्हारे साथ शहवत नहीं लगी हुई तुम्हारे साथ भूख नहीं लगी हुई तुम्हारे साथ थकावट नहीं लगी हुई तुम्हारे साथ प्यास नहीं लगी हुई तुम्हारे साथ बीवी बच्चे नहीं लगे हुए फिर ज़िक्र करना तुम्हारी ज़ा है और फिर तुम मेरा जिक्र करते हो ये मेरा बंदा इसके साथ बीवी बच्चे नहीं लगे हुए ज़रूरतें भी लगी हुई है भोग भी लगी हुई है प्याज भी लगी हुई है गुस्सा भी इसको आता है नींद भी इसको आती है थक भी है जाता है और शहवत भी इसके साथ लगी हुई है और गज़ा नहीं है इसकी ये जिक्र करना उसके बावजूद ये मेरी मोहब्बत में मेरा जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत से उस बंदे को याद करते फरिश्तों के दरमियान में उसका नाम लेते हैं अंदाज़ा लगाइए कितना ऊँचा मक्का और दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इंसान हैं देखिए अल्लाह इंसानों का एक मामला रखा है पेट भरने के लिए रोटी भी काफ़ी है लेकिन इंसान का एक मामला है एक मिजाज है सारी ज़िंदगी सिर्फ रोटी नहीं खाता मतलब कोई आदमी सारी ज़िंदगी रोजाना सिर्फ दाल चावल ठोड़ता रह हो जाएगा ऐसा नामुमकिन है कभी लोग दाल खाते कभी लोग गोश्त खाते हैं कभी लोग रोटी खाते हैं कभी लोग चावल खाते और ये चीज़ें छोड़ दीजिए अब तो नई नई आइटमें आ गई बर्गर खाता है पिज्जा खाता है पास्ता खाता है शर्मा खाता है और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें खा है कोल्ड ड्रिंक नहीं कोल्ड ड्रिंक पीता है शरबत पीता है कोल्ड ड्रिंक में भी वैरायटी कभी कोक पीता है कभी थम्सअप पीता है कभी फेंटा पीता है कभी स्प्राइट पीता है कभी लिमका पीता है कभी माजा पीता है है ना ये मामला दुनिया की लज्जतों के साथ दुनिया की नेमतों के साथ दोस्तों यही का यही मामला अल्लाह के जिक्र के साथ है आदमी को चाहिए जब अल्लाह ताली का जिक्र करे तो कभी इसतार कर ले कभी दरूद शरीफ कर ले कभी कलमा पढ़ ले कभी कुरान की तिलावत कर ले और बहुत सारे अस्कार हैं अल्लाह अकबर ला, है, ला वला इल्ला सुबहानल्लाकबर क़ुअल आजम रही बसमिल्ल रही हर एक की अपनी फ़जील तहर का अपना मक़ाम है दो चार मैं बता देता हूँ फिर बात ख़त्म करता हूँ इस्तवार करने का फ़ायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कई कई मरतबा इस्तवार फ़रमाते थे जब अल्लाह के रसूल बख्शे बख्शाए थे सारे गुनाह माफ़ अल्लाह के रसूल के अवल तो गुनाह हुए नहीं नबी को अल्लाह ताल नबी मासूम होते हैं अल्लाह तौर गुना उससे बचा के रखता है फिर भी अल्लाह ताली ने यह ऐलान कर दिया कि नबी बख्शे बख्शा है और उनके सारे गुनाह माफ़ हैं इसके बावजूद के रसूल अलैहि वसल्लम आराम से नहीं बैठते थे रोज़ाना सत्तर मरतबा या सौ मरतबा अल्लाह ताली से जो है वो इस्ते करते थे हमें कितनी मरतबा करना चाहिए फ़ायदा क्या है इसका इसका फ़ायदा कि जो शख्स अल्लाह ते अल्लाह ताजी करने के लिए इस्तेफार करता है समंदर के झाक के बराबर भी अगर उसके गुना हों अल्लाह ताली गुनाहों को धो देता है माफ़ कर देता है ख़त्म कर देता है दुरुल शरीफ बहुत ऊँचा अमल जितनी इबादतें हैं जितने अमाल अल्लाह ने कभी भी किसी बंदे से ये नहीं कहा मेरे बंदो तुम करो साथ में मैं भी करूंगा ये नहीं कहा यानी कि मेरे बंदो तुम नमाज पढ़ो मैं भी पढ़ूंगा और अल्लाह ताली अपने बारे में कहता तुम सका दो मैं भी दूंगा तुम हज करो मैं भी करूंगा किसी इबादत के बारे में नहीं कहा शरीफ के बारे में अल्लाह अल्ल फरमाता है इनकत वसलम तसली बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्हम पर सलाम भेजते हैं मान वालो तुम भी आप सल्हम पर दरोलम भेजा करो ये वो इबादत फरमाने तुम भी भेजो ये भी भेजो चालीस फ़ायदे एक मरतबा दुर्शीफ पढ़ लेंगे दस नीकियाँ मिलती हैं दस गुना माफ होते हैं दस दर्जे बुलंद होते हैं दस रहमतें है। इस पर अल्लाह की तरफ से नाजिल होती हैं जो है सत्तर फायदा है, कम कम। है। कलमा पहला कलमा ला मोहम्मद ला मोहम्मद एक मरतबा पढ़ना ऐसा है कि तराजू में दुनिया में जो कुछ है सारा का सारा इसमें रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पढ़ने में ये रख दिया जाए कलमा तो ये कलमा उन सारी चीज़ों पर भारी है अल्लाह के नाम से भारी क्या होगा कुरान, कुरान तो फिर कुरान है भाई कुरान का बड़ा सवाब है पढ़ने का एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा जो बंदा कुरान में लगने की वजह से दूसरा कोई जिक्र नहीं कर सका जैसे जो जो तस्बीहात मैंने बताई दूर शरीफ कुरान पढ़ता था कुरान को मोहब्बत से देखता था कुरान को पढ़ता था खूब क़ुरान की तिलावत करता था कुरान में ही लगा रहता था कुरान का होकर रह गया और कुरान में लगने की वजह से कुरान की मोहब्बत की वजह से कुरान को पढ़ने की वजह से कुरान से ताल्लुक़ की वजह से किसी और जिक्र को नहीं कर सका अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सारे असकार जो कुरान में लगने की वजह से ये नहीं कर सका उन सब का सवाब भी बग़ैर किए इसको दे दूंगा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या मेरे परवरदिगार की ज़ात है कितना बड़ा रहीम करीम है शफीक मेहरबान है वो तो देने के लिए बैठा है हमें लेना नहीं आता अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और फिर कुरान मजीद का अपना अलग सवाब हाँ। हर लफ्ज पर दस नामी नयियां मिलती है, और अलिफ, मीम ये एक, नहीं है। कितने, कितने एक बड़े मजेदार बात यह कि यह दस निकिया बगैर वजू पढ़े तब मिलती हैं अगर कोई शख्स वजू करके पढ़े तो लामा ने फरमायाकियां तक मिलती है और अगर कोई शख्स नमाज में पढ़े तो सवाब और ज़्यादा है कुरान की तिलावत बग़ैर वज़ू के पढ़ना कम सवाब है वज़ू करके पढ़ना ज़्यादा सवाब है नमाज के अंदर पढ़ना और ज़्यादा सवाब जाए है और अगर कोई शख्स अल्लाह से डरने वाला तकवा इख्तियार करने वाला मतकी परहेजगार तहज्जुद वगैरह के अंदर पढ़ता है और ज़्यादा सवाब है कोई शख्स हरम में जा पढ़ता है लाखों गुना सवाब है और अगर कोई शख्स रमजान के अंदर पढ़ता है बहुत सवाब है बहुत सवाब है सवाब है अगर कोई शख्स एक डेढ़ दो सिपारे रोजाना पढ़े और फिर उसके बाद रमज़ान के अंदर बढ़े दीवाना बार बढ़े तो एक लफ्ज़ पर इतनी नकियाँ मिल रही हूँ तो आप कभी अंदाज़ा लगाएं नयिया गिन सकते हैं नहीं गिन सकते पंद्रह बीस मिनट निकाल के कुरान को ज़रूर दें कुरान के साथ ज़रूर ताल्लुक़ को मज़बूत करें और ये चीज़ें इंशाल्लाह बहुत काम आएंगी क्योंकि क़यामत के दिन इंसान इन सारी चीज़ों को तरसेगा एक, एक नेकी को तरसेगा जितनी नकियाँ करेगा वो भी कम लगेगी उसको लिहाजा जितना हो सके अल्लाह तबारक को ताल से मांगे ज़िक्र करें कुरान की तिलावत करें ये जो हम बात कर रहे हैं ये भी अल्लाह का जिक्र ही है ये जो हमारी मजलिस हो रही है ये अल्लाह का जिक्र ही हो रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तबारक वाली जैसे हम उसका जिक्र कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में अल्लाह तबारक वाली भी इससे बेहतर मजलिस में इस वक्त हमारा जिक्र कर रहा होगा उम्मीद है इन बहरहाल मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म कर हूँ बात तो और थी करनी थी मुझे लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा बस अब इन यहीं पर आज की नशिस् को मुकम्मल करते हैं और अब हमारी एक नशस्त रह गई मस्जिद के तल्लु से क्योंकि एहतिकाफ़ मस्जिद में होता है पहली वक्ता नमाज़ मस्जिद में होती है तो इन हमने एक सबक का इजाफ़ा किया है कि मस्जिद के मतलब चंद बातें कर ली जाएँ इन शाला वह सामने कर लेकर के हाजिर होंगे अल्लाह पाक हम सबको कहना उस नशे ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी ख़दा फ़रमाएँ असल वरमि व